मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा कांग्रेस के वो चेहरे जो हमेशा सुर्खियों में बने रहे वो चुनाव हार जाएंगे। जैसे ही विधानसभा चुनावों के परिणामों में लोगों को पता चला कि फलाना वो नेता हार गया, लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन भाजपा की आंधी में अच्छे अच्छे नेता ढेर होते चले गए। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व कद्दावर मंत्री रहे जीतू पटवारी की। जीतू पटवारी के सोशल मीडिया पर मिलियनों फॉलोअर्स विधानसभा चुनाव में काम नहीं आ सके, उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनावों से पहले जीतू पटवारी को लेकर देश के जाने माने पीठाधीश्वर पंडोखर सरकार ने उनकी जीत की भविष्यवाणी की थी। पंडोखर सरकार ने पटवारी के एक समर्थक के सवाल पर उनकी जीत का पर्चा निकाला था, लेकिन वो जीत का पर्चा भाजपा की आंधी में उड़ गया, पटवारी चुनाव हार गए। इंदौर में पंडोखर सरकार ने जब राव विधानसभा के बीजलपुर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की जीत की भविष्यवाणी की थी, तब पटवारी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अब उनकी मुस्कुराहट मायूसी में बदल गई। जीतू पटवारी के समर्थक कैलाश पंचोली ने पंडोखर सरकार से सवाल किया था कि क्या जीतू भैया चुनाव में विजयी होंगे, जिसके जवाब में पंडोखर सरकार ने कहा था कि जीतू पटवारी इस बार के चुनाव में डबल मार्जिन से 101% विजयी होंगे। इतना ही नहीं, पंडोखर सरकार ने यह तक कह दिया था कि वह 40,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन इस बार भाजपा के मधु वर्मा ने पटवारी को करारी शिकस्त दे दी।